सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक माइलेज टेस्ट वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दी ऑल न्यू 2020 एक्सट्रीम 160R की। तो हीरो एक्सट्रीम 160R में कितना माइलेज मिलता है आज देख लेते हैं। ये ट्रिप ए जो है मैंने जीरो करी है, ट्रिप बी 49.2 किलोमीटर, ऑडोमीटर देख लेते हैं 112 किलोमीटर क्लॉक करा है, एंड फ्यूल कितना फिलअप करा हुआ है वो एक बार आपको बता देता हूँ। वापस से आके जब चला के आऊँगा मैं गाड़ी को, वहीं तक वापस से फिलअप करवाऊँगा। ये एक एम का निशान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस टाइप से जो है वहाँ तक फ्यूल फिलअप इसके अंदर करा हुआ है। और फुल टैंक करवाने के बाद में कम से कम 15-20 मिनट मैंने गाड़ी को मेन स्टैंड पर लगा के खड़ी करी थी ताकि जितना सेटल होना चाहिए फ्यूल हो सकता है, तो वो आपके सामने था। एयर प्रेशर मैंने एकदम परफेक्टली करवा दिए हैं, सेट करवा दिए हैं, जितनी एयर प्रेशर होनी चाहिए उतनी मैंने इसके अंदर डलवा दी है ताकि माइलेज जो है वो मुझे जो भी आना चाहिए वही मिले, ना ज़्यादा ना कम। एंड एक बात और, मैं बाइक को सिटी में एक्सट्रीम कंडीशन में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हाईवे पे टॉप स्पीड पे सभी जगह चलाऊंगा 25-30 किलोमीटर। उसके बाद में इसका ऑन एन एवरेज जो कितना माइलेज आ रहा है पिलियन के साथ में वो देखेंगे। मेरा वेट अराउंड 65 kg के आसपास है, 60-65 kg, और जो मेरे साथ में पिलियन है वो 80-85 kg के हैं। तो मैं पिलियन के साथ में ये टेस्ट करने वाला हूँ, और स्टार्टिंग से जब से जीरो था ट्रिप है तब से मैंने स्टार्ट करा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल सिटी कंडीशन में चला रहा हूँ। ये सारी क्लिप्स आप लोग जो देख रहे होंगे वो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्डेड होगी, बिकॉज 25-30 किलोमीटर की अगर कंप्लीट क्लिप लगा दूंगा तो वो 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी और वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, GCB की खुदाई भी देखने को यहाँ पर मुझे मिल गई। दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज एन इंडियन। और थोड़ा सा स्लशी एरिया में भी मैंने चलाया है, जहाँ पर बार बार जो है मेरे को ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, गियर चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं, लाइक दैट। एंड अब सिटी में आ गए हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आगे मिलने वाला है, तो वहाँ पर उस एरिया में अब यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है 5-10-15 किलोमीटर पर आ की स्पीड पे चल रहा हूँ। अभी तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर के अंदर बार बार गियर चेंज भी करने पड़ते हैं और क्लच का यूज़ भी बार बार करना पड़ता है। पिलियन भी है, मेरा बैग भी एक्सेसरीज़ का जो मैंने लगाया हुआ है पीछे बैक पे, तो ये पूरा वेट होने के बाद में इस कंडीशन के अंदर मैं चल रहा हूँ गाड़ी को लेके। एंड यहाँ जो है मेरे को बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं आया। मैंने कम से कम 5-6 किलोमीटर इस एरिया में कंटिन्यूसली चलाया और मुझे लगभग आधा पौना घंटा लगा इस एरिया को कम्प्लीटली कवर करने में। एंड मैंने मास्क लगाया हुआ था, हेलमेट लगाया हुआ था, दोनों ने जो है मास्क लगाया था, पिलियन ने भी, तो उस चीज़ का हमने बिल्कुल ध्यान रखा है। सैनिटाइज वगैरह जो है वापस जाके हम लोग करेंगे, दैट्स ऑल, पूरा प्रॉपर चेकअप करके चल रहे हैं। एंड अब यहाँ से सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा खुली रोड पे चलते हैं। सिटी में ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर जो है मैंने चला लिया है, तो अभी जो है वो क्लॉक हुआ है 13.8 किलोमीटर। यहाँ पर चला हूँ मैं सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर, और अब आ गया हूँ मैं सिंगल लेन पे, जो सिंगल वे होता है जहाँ पर एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही होती है और उसी तरफ से सामने से आ रही होती है, कुछ उस टाइप से जो है ये यहाँ पर रोड है। एंड अब आ गया हूँ मैं यहाँ पर 4 लेन पे। अब यहाँ पर टॉप स्पीड में जो नॉर्मल इकोनॉमिक स्पीड होती है या 70-80 की जो इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड है, मैंने रिव्यू डिटेल्ड रिव्यू एक शेयर करा हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर से देखें, उस स्पीड में यहाँ पर मैं इस बाइक को टेस्ट करूँगा। ओके, तो अब साइड मिल गई है, एंड एक बार करते हैं रेड लाइन सारे गियर्स पे। तो आप लोग देख सकते हैं अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ विथ पिलियन, एंड बाइक बहुत ही स्मूथली चल रही है। आई डोंट नो इस टाइम पे माइलेज कितना आएगा, और यहाँ पर जब आप चलते हैं तो 7-8,000 RPM के ऊपर जो है इंजन इसका रैव कर रहा होता है। जब आप 100 की स्पीड पे चल रहे होते हैं तो 7,000 RPM इज़ लाइक थोड़ा सा ऊपर की साइड में हो जाता है, 5,000 RPM जो है प्रॉपर रहता है, 5,000-6,000 RPM के बीच में 80 की स्पीड पर चलती है ये बाइक। तो ऑलमोस्ट मैंने हाईवे पे अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास चला है, मतलब 10-14 किलोमीटर जो है मैंने सिटी में चला लिया था, तो लगभग 28 किलोमीटर जो है अभी बता रहा है। एंड अब मेरे को सिटी में वापस उसी पेट्रोल पंप पे लेके जाने में लगभग 4-5 किलोमीटर शायद लग सकते हैं। तो बाइक 30-35 किलोमीटर के आसपास जो है 35 किलोमीटर के अंदर अंदर ही जो है क्लॉक करेगी। तो आ गया हूँ गाइस मैं सिटी में, एंड वहीं जहाँ से स्टार्ट करी थी ये जर्नी,
और बाइक में यहाँ पर मुझे दिख रहा है 34 पॉइंट समथिंग, रुक के देखता हूँ एक बार, 34.7 किलोमीटर पर आवर जो है वो शायद बाइक चली है, एक बार आप लोगों को भी बता देता हूँ, मैं भी ढंग से देख लेता हूँ, 34.5, ओके 34.5 किलोमीटर जो है वो बाइक चली है टोटल। और ये ट्रिप पे ट्रिप भी सारे मैंने, ऑडोमीटर 147 हो गया है, तो अब देखते हैं कि कितना फ्यूल इसके अंदर आता है, वापस उसी फ्यूल पंप से जो है फिलअप करवाते हैं और उस पॉइंट तक करवाते हैं। तो बहुत कम ही मुझे ऐसा लग रहा है, बट फ्यूल नीचे उतरता है, सेटल होता है, ज़ीरो है आप देख सकते हैं अच्छे से, और डालना स्टार्ट करा है बाइक के अंदर फ्यूल, और देख सकते हो कि फ्यूल नीचे उतर रहा है, तो बार बार जो है वो रुकना पड़ रहा है, जैसे ही रुकते हैं फिर नीचे उतरता है, फिर भरते हैं ऐसे साइड में, क्या मालूम कहाँ जाता है। तो लगभग 700 ml जो है वो फ्यूल आया है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं, और वो जो निशान था मैंने लगभग वहीं पर कम्प्लीटली इसको फिलअप करा है, तो अच्छे से देख सकते हैं जो पॉइंट था उस पॉइंट टू पॉइंट अपन ने नापा है, ऑडोमीटर पे भी मैंने आपको बता दिया है किलोमीटर जो ट्रिप पे था 34.5 किलोमीटर चली है अप्रॉक्स, और अब इसमें कितना आता है इसको लगा देते हैं, मेरे हाथ में कैमरा एक्चुअली, एक बार फिर आप लोग देख लो 34 पॉइंट समथिंग है, 34.5, एंड अब निकालता हूँ मैं माइलेज, कितना माइलेज दिया है पीलियन के साथ में, सिटी में, हाईवे में, ट्रैफिक कंडीशन में बाइक ने, रिजल्ट आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगली वीडियो कौन सी देखनी है मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, एंड इस बाइक के ऊपर बेस्ट डील चाहिए रतलाम में या मध्य प्रदेश में तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करके आप लोग जो है बेस्ट डील ले सकते हैं। सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ड्राइव सेफ़।